बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मैं एक न्यूज़ शेयर कर दूंगा। तमाम परदेसी भाई, तमाम जितने भी मेरे खासकर वो भाई हैं जो मुसस्से से, कंपनी से, कफील से इकामा नहीं लगाया उन्होंने, हालांकि गलती उनकी है, लेकिन आपने क्या किया कि भाई बाहर काम देखते हैं यार, छोड़ो इसको। तो बात वैसे ठीक है, सैलरी भी टाइम से नहीं देता, सैलरी भी कम दे रहा है, ऊपर से इकामा नहीं लगा रहा है, तो बाहर जाएंगे। बाहर इस वक्त अगर लेबर की बात कर लेना, तो लेबर इस वक्त अगर बाहर जाती है किसी के पास काम के लिए, तो महीना ठीक होना चाहिए। तो भाई 2400-2500 रियाल में लेबर रखी जा रही है। हाँ, साए खास अमल मंजिल जिनका महीना है, तो वो तो जारी सी बात है, अगर कोई बाहर मुसस्से वाला रख ले तो रख ले, वरना वो दिहाड़ी लगा सकते हैं अपनी, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बदून कफील के ज़ुमरे में जब पकड़े गए तो उनके लिए मसला बन सकता है। अच्छा, बहरहाल ये बात आपको इसलिए बता रहा था मैं कि अगर इकामा वगैरह एक्सपायर है या हरूब है, या मैं कल भी एक वीडियो में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ, मैं साए खास अमल मंजिली के मतलब एक मैंने भाई की मुकम्मल तफसील उसमें आपको बताई क्या मामला चल रहे हैं। तो ये न्यूज़ भी इसी से रिलेटेड आती है, वजारत दाखिले की तरफ से कन्फर्म होती है। अगर आपका कोई भी किसी किस्म का मसला है तो मैं आपको तफसील बता देता हूँ इसमें। आप भाई, मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आपने खरूज जाना है या आप ये सोच रहे हैं जी कि मैं भाई यहाँ पर अपना नकल कफाला यानी कि तनाजल करवा लूँ लीगल तरीके से, चाहे आपके इकामे एक्सपायर हों, चाहे हरूब हो, चाहे आप छोटा मैंने यानी कि साए खास अमल मंजिली वगैरह वाले हैं, तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिखा रहा हूँ। आप मज़ीद कुछ, आपने कुछ भी पूछना हो तो आप भाई इस मुझसे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको तफसील बता दूंगा जितनी मुझे इल्म हुआ, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है जी। बात तो यहीं पर ख़त्म होती है। अच्छा जी, चलते हैं इस खबर की तरफ, न्यूज़ की तरफ, और आपको मैं साथ में दिखा रहा हूँ कि मैं टोटल की अगर हम बात करें 17,616 तकरीबन 17,500 प्लस में बंदा टोटल सऊदी अरेबिया में एक हफ्ते यानी कि 7 दिनों के अंदर गिरफ्तार होता है। इसमें अगर फर्स्ट नंबर पर जो चीज़ आती है मुखालफा निज़ाम अल इकामा, जिनके इकामे एक्सपायर थे, तो भाई उनकी तादाद है 11,022 बंदे, 11022, ठीक है जी। 11,022 बंदे गिरफ्तार होते हैं जी सिर्फ इकामा एक्सपायर वाले। आप खुद ही यार, मैं नहीं बोलता इसमें पाकिस्तानी सरफरिश्ता ही ये वो है, आप खुद ही अभी आप खुद समझदार हैं यार। आगे अगर हम बात करें मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, तो भाई इनकी तादाद है 4,216, ठीक है। आगे अगर बात करें मुखालफा निज़ाम अल अमल, तो भाई ये है जी 2,378 बंदे मुखालफा निज़ाम अल अमल, ये वो तमाम है जी कंपनी के फील से भागकर, जैसे कि आपको बता रहा हूँ मैं साए खास अमल मंजिली बदून कफील के ज़ुमरे में जब रख कर पकड़े जाते हैं। आगे अगर बात कर लें तरहील के मतलब, तो तरहील भाई आज जो यहाँ पर आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, 13,952 बंदे सऊदी अरेबिया से डीपोर्ट तरहील किए गए हैं पिछले 7 दिनों के अंदर। आप इस चीज़ से भाई खुद अंदाज़ा कर लें कि कितने हज़ार दुनिया, कितने लाख दुनिया जिनके काम एक्सपायर हरूब मतलूब इस मसले से दो चार हैं और जेलों में पड़े हुए हैं, कि भाई 13,000 अराउंड में बंदा डीपोर्ट होता है पिछले 6-7 दिनों के अंदर में। तो ये वीकली रिपोर्ट होती है जिससे मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तमाम परदेसी भाई, अगर आपका इकामा एक्सपायर है, रूब है, या मेरा आपको यही मशवरा है कि लीगल हो जाए, नकल कफाला करवा लें, ले दे करके जैसे भी मामला हैं, तो वो बेस्ट है यार। पाकिस्तान में महंगाई की सूरत, फिर बंदा वहाँ पर भी जाकर यार मुश्किल ही बनती है।